बुधवार को जगहा थाना क्षेत्र के दीवा गांव में बारात के परछावन में गांव के संगम यादव की लाठी डंडे से पीट पीट कर की गई हत्या। एसएसपी ने कहा, घटना में शामिल एक अभियुक्त को जगहा पुलिस ने किया गिरफ्तार, बाकी अभियुक्तों की जल्द की जाएगी गिरफ्तारी। गोरखपुर में अब बिना हेलमेट के नहीं मिलेगी शहर में एंट्री, बिना हेलमेट के ना मिलेगा पेट्रोल, होगा वाहन का चालान। एसपी सिटी ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि बिना हेलमेट के ना निकले घर से बाहर, अपना व अपने परिवार की करे सुरक्षा। पिपरौली ब्लॉक के दीर्घन सिंह के गांव में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने लगाया चौपाल। कहा, गांव में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा, कार्यों को 3 महीने के अंदर पूरा करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। आयुर्वेद का हब बनने की दिशा में आगे बढ़ा गोरखपुर। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय और महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय आरोग्य धाम के बीच एमओयू हस्ताक्षरित। आयुष को मॉडर्न मेडिसिन के समांतर खड़ा करने का मिलकर प्रयास करेंगे दोनों विश्वविद्यालय। पूर्वी उत्तर प्रदेश को औषधीय खेती को बड़ा केंद्र बनाने के लिए भी हुआ है करार। आयुष के प्रति जन जागरण और आयुर्वेद के क्षेत्र में शोध की सभी संभावनाओं पर भी होंगे साझा कार्य। शास्त्री चौक व अंबेडकर चौराहे पर लगने वाले ठेले खुमचे वालों को नगर निगम व डूडा द्वारा हरिओम नगर में चिन्हित वेंडिंग जोन में किया गया व्यवस्थित। सिटी मजिस्ट्रेट ने महानगरवासियों से किया अनुरोध, कहा वेंडिंग जोन में ही आकर खरीदे फल सब्जी ताकि मिल सके जाम की समस्या से निजात। रेल मदद ऐप पर दर्ज शिकायतों के निस्तारण के मामले में भारतीय रेल के सभी जोनों में पूर्वोत्तर रेलवे रहा नंबर 1। मात्र 12 मिनट रहा प्रति शिकायतों के निस्तारण का औसत समय। रेलवे बोर्ड द्वारा रेल मदद सील 2022 प्रदान कर पूर्वोत्तर रेलवे को किया जाएगा पुरस्कृत। सीबीआरओ पंकज कुमार सिंह ने दी जानकारी। उन्नीस मई को मारपीट व हत्या के प्रयास के आरोप में वांछित एक अभियुक्त को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। घटना में प्रयुक्त जेसीबी किया बरामद, भेजा जेल। पोषण मिशन की बैठक जिला अधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में हुआ संपन्न। प्रतिदिन का डाटा उपलब्ध करवाने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। ऑपरेशन पाताल के तहत एक शातिर अपराधी आकाश कुमार चंडालिया को किया गिरफ्तार। एक देसी तमंचा, एक जिंदा कारतूस किया बरामद, भेजा जेल। जिले की परियोजनाओं के संबंध में रेलवे से संबंधित प्रकरण से संबंधित जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। कार्यों को बरसात से पहले पूरा करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। रामगढ़ताल थाने का एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने किया तिमाही निरीक्षण। थाना परिसर, कार्यालय, बैरक, शस्त्र, मालखाना, रजिस्टर को किया चेक। कहा, निरीक्षण में रामगढ़ताल थाना हुआ पास, कमियों को दूर करने के लिए दिए गए हैं निर्देश। और अब अस्पतालों में जन्म के कुछ मिनटों बाद ही हेल्थ कर्मी वार्ड में पहुंचकर अपने टैबलेट के कैमरे से एक क्लिक कर बना देंगे नवजात का आधार कार्ड। करीब 1000 नवजात शिशु का बन चुका है आधार कार्ड। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने दी जानकारी।